आपने सुंदर सा गीत दिया, मेरी ओर से छोटा सा प्रयास रहा और आपके कटपीस का भी मैंने प्रयास किया है। अब ये भैया लोग बैठे हैं और बहन जी विश्वास मानिए आपको दोबारा मैं डांटना नहीं पड़ेगा। ये बस प्रयास रहा है। हाँ बिल्कुल चल रही हूँ आप लोगों का रुख मोड़ते हुए। हाँ रुख बहुत बहुत धन्यवाद भैया गोपाल जी, जय हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केशव दद्दू, हाँ, और सभी लोगों से निवेदन है गीत को सुनिएगा। सुनिए, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? इसको बढ़ाई जरा, हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ जरा इसको। आदरणीय चाचा जी गीत को सुनेगा और जन पिताजी सुने, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। बाबा जी सुनना गीत को, सुनना। इधर हरिश्चंद्र जी ने एक सपना देखा और सपने में देखा कि मैंने सब कुछ अपना दान कर दिया। हाँ। और जैसे ही जागे तो देखा कि विश्वामित्र जी खड़े हैं। बोले महाराज कैसे आगमन हुआ? बोले भूल गए, आपने सब कुछ अपना हमको दान कर दिया, पूछ रहे हो कैसे आगमन हुआ है। तो हरिश्चंद्र जी को याद आ गया, अरे प्रभु मैं भूला नहीं, मुझे याद आ गया, मैंने सपना अभी अभी देखा था। सुनिएगा बहन जी, सुनिए। जो सपने Thank you.
बढ़िया हुआ, लेकिन थोड़ा कोरस कमजोर हो रही थी। कोरस। फिर आवाज आई कि उनका बुढ़ापा है। हाँ। सही बात तो ये है भाई टीटू भाई जी, कि पहली बात तो चच्चा जितनी मेहनत कोई करता नहीं, इस उम्र में इतनी आवाज है वो कम नहीं है। हाँ। और दूसरी बात कि मेरी आवाज पे कोरस कराना, यानी एक महिला के साथ कोरस कराना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। और क्या, उसके बावजूद भी चच्चा कराते, ये कम थोड़े है। सुनेगा जी, आपके मर्ज को भी नहीं भूलूंगा। भूलू ना फर्ज को, आपके मर्ज को, खुद को भी बेच कर दू चुका कर्ज को, तो कह रहे हरिश्चंद्र जी सुनिएगा, सुबह अपने राज की हाथे छोड़ जाऊंगा, सुबह अपने राज की हाथे छोड़ जाऊंगा, अरे बचन के लिए मैं अपना अवध छोड़। क्या बात बैठे आदनी बहन जी, दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए इधर, महाराज दशरथ जी जैसे ही को भवन में पहुंचे, देखा कि कैकेयी ने ये दशा क्यों बना ली। ये दशा, अरे कैकेयी तुम्हारी ये दशा, किसी ने तुम्हारी तरफ उंगली उठाई हो तो उसका हाथ कटवा दूं, दसों उंगलियों के नाखून खुचवा लूं, किसी ने तुम्हारी तरफ नजर उठाई हो तो उसकी आंखें फुड़वा दूं। अरे कहिए तो बात क्या है। बहन जी, महाराज से कैकेयी ने कहा कि बात कुछ नहीं है, केवल दो वरदान दे दीजिए। वरदान में मांगा भी तो क्या, क्या? सुना हूँ प्राण प्रिय भागवत जी का, देहू एक बार भरते टीका, दूसर बार मांगो कर जोरी। ये कौन सा वरदान है जो हाथ जोड़ के मांगना पड़ रहा है। बोले तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बोले कैकेयी लगता कि तू मेरे जान की प्यासी, व्याकुल होकर भूम पर गिर पड़े। और ये रात बीती, लेकिन जब राम जी को बुलाया, राम जी ने देखा माता पिताजी की ये हालत, ये दशा किस वजह से। बोले मैंने तुम्हारे लिए बन मांगा है। अरे इतनी सी बात पे महाराज इतने दुखी नहीं हो सकते। और क्या, अगर इतनी ही बात है तो सुनिए माँ। सुनिए चरणों का अनुराग
बहन जी, वन में जा करके राम बन जाएगा, राम वन में जाकर के बन जाएगा ये राम। अगर माँ आपकी यही इच्छा है तो सुखद राज वंश का, सुखद राज वंश का पद छोड़ जाऊंगा, सुखद राज वंश का पद छोड़ जाऊंगा। अरे बचन के लिए मैं अपना पद छोड़ गोस्वामी जी तो ये भी लिखते हैं, अवध तहां जहां राम निवासु। लेकिन पूरे इस अयोध्या में क्या होगा? बोले मैं बचन को निभा करके अवध लौट आऊंगा, 14 वर्ष की अवधि हो जाए उसके बाद अवध लौट आऊंगा। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष की महाबुद्ध की दशा लगी हुई है, 17.5 वर्ष की थी, 3 वर्ष 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए, 14 वर्ष शेष रह गए, तब तक राम अयोध्या में नहीं रहेंगे। और जब तक ये 14 वर्ष बीत जाएंगे तो माँ वचन निभा करके मैं अवध लौट आऊंगा। आखिरी टुकड़ा और सुनेगा। एक बार जब राम वन से वापस आ गए, बहन जी राज कर रहे हैं, एक दिन काल भगवान से आया वार्ता करने। काल ने कहा कि राम आप प्रतिज्ञा करते हैं तो निभाते हैं, आप धर्मधारी हैं। बोले बताएं। बोले हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि हमारे और आपके बीच में कोई आएगा नहीं, और जो आएगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे। आप जी ने प्रतिज्ञा कर ली, लखन लाल जी को पहरे पे लगा दिया। लेकिन उतने में गुरु जी आ गए। आइए गुरु जी। और ऐसे ऋषि भैया जी दुर्वासा पहुंच गए, हो इतने क्रोधी हैं बहन जी। दुर्वासा ऋषि आ गए, उन्होंने कहा मुझे राम से मिलना है। कहा भी तो नहीं मिल सकते। बोले अगर मुझे राम से नहीं मिलने दिया तो मैं पूरे अयोध्या को भस्म कर डालूंगा। अब लखन लाल जी मुश्किल में है कि अगर जाते हैं तो उधर राम की प्रतिज्ञा है, और नहीं जाते तो ये अयोध्या ना भस्म कर दे दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध से। और क्या, लखन लाल जी चले गए। और जब काल ने देखा कि हमारे और आपके बीच में लखन लाल आ गए हैं, काल ने कहा कि राम आप अपना प्रण निभाइए, अब लखन का संहार करिए। लेकिन राम जी कैसे लखन का संहार करें? तो गुरु जी ने आकर के एक युक्ति बताई कि अपने का परित्याग करना ही मृत्यु के बराबर है, तो इनका परित्याग कर दीजिए। और लखन लाल जी ने जब सुना तो राम जी से कह रहे हैं, प्रभु प्रभु दिया द्वारा जिसका त्याग हो जाए उसका जीना ही बेकार है। और क्या, जिसका राम के द्वारा त्याग हो जाए उसका जीना बेकार है। इसलिए प्रभु रचित ये विधाता, रचित ये विधाता का जगत छोड़ जाऊंगा, रचित ये विधाता का जगत छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना Yeah.
गीत भी बहुत अच्छा आया है और ये 101 रुपए नहीं समझ आते हैं। हाँ, 101 रुपए का आशीर्वाद भैया श्री राम अवतार भैया जी आपकी ओर से आए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप है श्री राकेश दीक्षित भैया आपकी ओर से भी 51 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मनोज कुमार मिश्र भैया सभासद जी नगर पालिका परिषद उन्नाव आपकी ओर से, ये प्रतिष्ठान से मनोज बैटरी मोती नगर उन्नाव आपकी ओर से ये 101 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी भैया लोगों से मैं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आइए, ये मेरी ओर से प्रयास, अब चलते हैं गीत की ओर। बहुत ही सुंदर सा गीत आया है, आपने गाया है इस तरह यादें ताजा हो गई। आप ये वही अपना सचिन भाई है जो लोगों को डमरू बनाया करता था। का वो भी हमारे साथ में मिल के इस तरह आशिकी का असर छोड़े जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात आई है वाकई में बिटिया, तारीफ के काबिल है आपका ये गीत। स्वप्न में जो कार्य हुआ वो वाकई में कर दिया, ऐसा दानी कोई ना हुआ है ना होगा, हुआ नहीं है स्वप्न में देखा लेकिन हो गया। उधर स्वप्न देखा तो हो गया, इधर राजा दशरथ के विषय में बताया। अच्छा, उन्होंने कौन सा स्वप्न देखा, लेकिन चलिए अच्छी बात है, आपका गीत है, बहुत अच्छा सजाया है आपने। सुने, आपने अपने गीत में बताया है सुखद राजवश का पद छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अवध छोड़ जाऊंगा, अपने राज के छोड़ जाऊंगा, वचन के लिए मैं अवध छोड़ जाऊंगा। चलिए मैं भी प्रयास करती हूँ, अगर इधर ये अवध छोड़ जाऊंगा, अगर अवध छोड़ी है तो किन्हीं कारणवश छोड़ी है। सुने, कुछ मैं भी प्रयास करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। छोड़ जाऊंगा तो किसके कारण यहाँ पर देखिए क्या छोड़ा जा रहा है और क्या नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं प्रयास कर रही हूँ। अरे जो सपने जय हो
लेकर पहुंचती हैं और जब पहुंचती हैं स्वामी से प्रार्थना करती हैं, लेकिन देखिए आगे होता क्या है। लेकर जाती हैं, स्वामी को दिखाती हैं, बोले ना बिना कर लिए मैं कुछ नहीं क्रिया कर सकता हूं, और जब मना कर दिया तो होता क्या है। अरे सबको सूती के, अरे सबको सूती के वो कैसे जलाती और और जो कार्य करवाना है तो फिर इसके लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा। और जब कह दिया तो मुझे कहना पड़ा क्या, अरे वचन जो दिया ना उसे भूल पाऊंगा, वचन जो दिया ना अरे उसे भूल के लिए मैं अपना ना धर्म भूल पाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना धर्म भूल पाऊंगा, वचन के लिए अपना धर्म भूल पाऊंगा, वचन के लिए अपना धर्म भूल पाऊंगा। वचन जो दिया उसको भुलाऊंगा, वचन जो दिया है ना उसे भूल पाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना धर्म ना भुलाऊंगा, वचन के लिए मैं अपना धर्म ना भुलाऊंगा, कार्य कराना है, क्रिया करानी है अपने पुत्र की, कर दो और यहाँ पर क्रिया करो। और जब ऐसा कह दिया रानी परेशान हो गई, सब कुछ आप लोग जानते हैं। अगर उधर अवध छोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर धर्म की बात हो रही है। सब कुछ चला गया लेकिन अपने धर्म पर वो अडिग रहे, और जब अडिग रहे तो आइए प्रयास करती हूँ दूसरी बात देखिए। हाँ इसे लगानी चाहिए। दूसरी बात देखें आप, मैं प्रयास करती हूं। अरे राम लखन जब वन को जाते, बहुत सारी बातें मिलती हैं। किसी ने कहा अगर 14 की बात है, ये 14 घंटे 14 दिन महाराज
आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? लेकिन नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, ये प्राण जाए पर वचन न जाए। जो कह दिया सो कह दिया। अब देखे होता क्या है,